केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। वहीं इसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ में सरकार की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर इस बार अपनी जीत का दावा ठोका है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आवे ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बदहाल व्यवस्थाओं के रूप में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में अध्यापक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकीकरण के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरह बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव हमने जीता, उसी तरह केदारनाथ उपचुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। व्यवस्थाएं बदहाल है, कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। विशेषज्ञ की बात तो, स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है, एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विषय हैं, राज्य के विषय हैं, देश के विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जिससे बाबा केदारनाथ से पहले चुनाव जो हो रहा है उससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव, जिसमें हमें बड़ी जीत मिली, जबकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तनबल का इस्तेमाल किया गया और एक डर और भय का माहौल बनाने की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में कोशिश की गई, लेकिन जनता ने सब कुछ नकार दिया। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी एम प्रचार एम केदारनाथ को चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं होंगे। जनता ने मन बना लिया है, बदलाव का मन बना लिया है।